तो इसमें लोग बात करने वाला आई क्लाउड के बारे में, जहाँ पर किस तरह से आप अपने आई क्लाउड को रिमूव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या मेथड है, कैसे कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जितने भी आईफोन होते हैं उसमें आप आई क्लाउड को रिमूव कर सकते हैं फिर नहीं, जी अपन तो 100% आप यहां पर कर सकते हैं। आपको 100% एप्पल की तरफ से सपोर्ट मिल जाता है उसे रिमूव करने के लिए। जी अपन आपको कुछ वेरिफिकेशन मेथड की जरूरत पड़ती है, उसके बाद बहुत ही आसानी से आप अपने एप्पल आई डी को रिमूव कर सकते हैं या फिर उसे अनलॉक कर सकते हैं। जी अपन तो बात कर लेते हैं क्या मेथड है। जी अपन तो सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग में जाना होगा। यदि मान लीजिए एप्पल आई डी को आपने लिंक किया है तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से उसे अनलिंक करके रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए फोन के सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर अबाउट में यहाँ पे आपको में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आई क्लाउड, तो आई क्लाउड को यहाँ पर बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपका फोन लॉक है तो उसको यहाँ पर रिमूव करने के लिए आपको ब्राउजर में किसी भी फोन को यहाँ पर ले लेना होगा। आपको यहाँ पर आईपैड या फिर मैक या फिर मान लीजिए आईफोन या फिर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड का आईफोन ले सकते हैं, उसमें जो कि ब्राउजर होता है सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद सिंपली जो कि आपका एप्पल आई डी होता है वहाँ पर आप लॉग इन कीजिए। जहाँ पर लॉग इन करने के बाद आपको आई क्लाउड देखने के लिए मिल जाएगा। जहाँ पर तो आई क्लाउड को वहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने डिवाइस को सेलेक्ट करने के बाद रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के जो कि आपके आईफोन में लॉक लगा है आई क्लाउड की तरफ से तो वह रिमूव हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ये लीगल मेथड है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यदि आप अपने एप्पल आईडी के पासवर्ड को भूल गए तो उसे आप रीसेट करके न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। तो न्यू पासवर्ड बनाने के लिए आपको अपने ब्राउजर में चले जाना होगा और ब्राउजर में चले जाने के बाद सिंपली आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एप्पल आईडी। एप्पल आईडी सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लॉग इन करना होगा। जहाँ पर लॉग इन करने के बाद नीचे आपको फॉरगेट पासवर्ड का देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिंपली कुछ ओटीपी आएगा आपके जीमेल आईडी पे या फिर जो कि आपके फोन नंबर आपने दिया होगा एप्पल आईडी को बनाते हुए, तो उस पर जाएगा और ओटीपी डालने के बाद जो कि आपका एप्पल आईडी वो वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई हो जाने के बाद आप बहुत ही आसानी से एप्पल आईडी में जो कि आपका पासवर्ड है सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद उसे आई क्लाउड से यहाँ पर लॉगिन करके रिमूव कर सकते हैं। तो यह लीगल मेथड है, कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मान लीजिए जो कि आपका एप्पल आईडी है वो भूल गए हैं तो उसको भी आप यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। एप्पल आईडी फॉरगेट पर आप क्लिक करेंगे तो एप्पल आईडी जो कि आपका फोन नंबर होता है वही उसे डालना होता है और जो कि आपका एप्पल आईडी होता है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जहाँ पर फोन नंबर आपको डालने के लिए बोलेगा, इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के लिए बोलेगा। तो यह सब ये डालने के बाद आप बहुत ही आसानी से एप्पल आईडी को रिकवर कर सकते हैं। जो कि आपका एप्पल आईडी होता है उसको भी भूल गए, पासवर्ड को भी भूल गए तो उसे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आपको ओटीपी नहीं मिल रहा, तो सिंपली आप बहुत ही आसानी से आई क्लाउड को रिमूव कर सकते हैं। तो आई क्लाउड को रिमूव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह सॉफ्टवेयर आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इसे आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इसे यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद कुछ इस तरह से एप्पल आईडी को आप रिमूव कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से जो कि आपका फोन होता है वो अनलॉक हो जाएगा। जी अपन तो सिंपली इसे आपको यहाँ पर पैड देखने को मिलेगा या सॉफ्टवेयर, तो इसे आपको यहाँ पर फ्री ट्रायल वर्जन पर आपको क्लिक करके ईमेल आईडी डाल देना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद आप समझ गएंगे जितने भी आईफोन होते हैं उसमें जो कि आपका आई क्लाउड होता है किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, जो कि एप्पल आईडी होता है उसे किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।